वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और पीएम मोदी के 7 साल के कार्यकाल को सबसे सफल बताया। 14 से 19 में दोबारा सफलता, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री जिसने पहली बार नहीं दूसरी बार भी पूर्ण बहुमत से अपने बलबूते पे सरकार लाई। हिंदुस्तान का इतिहास नहीं बताता कि 300 से ऊपर सीट लाने की क्षमता किसी व्यक्ति है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ है? कांग्रेस किस राज्य में बचा है? कांग्रेस सबसे कम विधायक संख्या है, सबसे विपक्ष का दर्जा खो दिया जिस कांग्रेस ने, पश्चिम बंगाल में जिस कांग्रेस जीरो में पहुंच गया, केरल में अस्तित्व जिनका खत्म हो गया, असम में सत्ता के ख्वाब देखने वाले सत्ता से बाहर हो गए, जनता ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। ऐसे रिजेक्टेड पार्टी की बात जो यहाँ के नेता करते हैं तो मुझे हंसी आती है। केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर जहां बीजेपी जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार की असफलताओं को जनता तक पहुंचाने का फैसला लिया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को 6 मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार को घेरा। इस दौरान मंत्री मोहम्मद अकबर ने नरेंद्र मोदी को देश का सबसे असफल प्रधानमंत्री बताया है। मंत्री मोहम्मद अकबर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मोहन तिवारी ने। मोदी सरकार के जहां 7 साल पूरे हुए हैं, वहीं कांग्रेस इन 7 सालों की असफलताओं को गिना रही है। ऐसे में क्या कांग्रेस सोचती है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मंत्री मोहम्मद अकबर मौजूद हैं। हाँ, हमने देखा कि आपने असफलताओं की लंबी फहरिस्त गिनाई है। इसी 7 सालों में सफलता को लेकर बीजेपी 5,000 गाँवों में जाने का प्लान बना रही है, कैसे देखते हैं उनके इस प्लान को, आप लोग कैसे करेंगे? वो मान लो प्रोपोगंडा भी करते हैं तो 5,000 गाँव में पहुँच जा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, 5,000 गांव में जाके हम तो आश्चर्य ये है कि वो क्या बोलेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। जो लगातार कांग्रेस की सरकार इस देश में रही ये सब जानते हैं। अब जो कांग्रेस ने बनाने का काम किया तो क्या वो ये बताना चाहते हैं कि जो रेल है, भारतीय रेल, इसको बेचने का प्रयास चल रहा है, बंदरगाहों को बेचने का प्रयास चल रहा है, एयरपोर्ट को बेचने का प्रयास चल रहा है, किसान लगातार आंदोलनरत है, 2 गुना आप आय की बात किए, लेकिन 2 गुना आए तो छोड़, ऐसा कानून बना दिए कि पूरे किसान लगातार हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में लगातार किसान आंदोलनरत हैं, दिल्ली में आंदोलनरत हैं। तो किसानों के बारे में भी आपने कुछ नहीं किया, चीज़ों का बेचने के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या बताना चाहते हैं? मोदी जी, 7 साल बनाम 70 साल की तुलना कर रहे हैं, 70 साल में जो नहीं हुआ वो 7 साल में हुआ, ऐसे दावे हैं, क्या लगता है? ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि अलग करते हैं दोनों को, दोनों का? देखिए, वो जो बोल रहे हैं ना, जो 70 साल में नहीं हुआ 7 साल में हुआ, बिल्कुल ठीक है। नोटबंदी इन्हीं के समय में हुआ, GST इन्हीं के समय लागू हुआ जो आज तक कोई नहीं समझ पाया, इन्हीं के समय भारतीय रेल लगातार जो एक शान के रूप में कहा जाता है भारतीय रेल को, भारत का, उसको बेचने का काम कर रहे हैं, बंदरगाह में बेचने काम कर रहे हैं, जो 70 साल में हुआ नहीं, वो ये सब कर रहे हैं, इसी को बताएंगे। तो ये थे मंत्री मोहम्मद अकबर, जिनका कहना है कि बीजेपी जरूर गांव में जाकर अपनी बातें पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं है, और इन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस भी लोगों के बीच जाएगी। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़।